सोयाबीन के ऊपर बात करना चाहूँगा आपसे। जैसे कि आपने भी बताया कि सोयाबीन 6800 से लेकर 7000 के भी लेवल दिखा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि फंडामेंटल्स मजबूत हैं। रूपा जी, सोपा द्वारा प्रोडक्शन के जो आंकड़े हैं लगभग 119 लाख टन के बताए गए हैं कि इस वक्त कि इस बार सोयाबीन का जो उत्पादन है 119 लाख टन के आसपास का रह सकता है। लेकिन रूपा जी, उसके बाद भी हमने देखा था कि जो भारी बारिश का जो दौर था वो जारी रहा था और सोयाबीन के जो फसलें थी, जो बुआई जो कटाई के लिए फसलें खड़ी रखी हुई थी, वो सारी की सारी बर्बाद होती नजर आई थी। खासकर कि महाराष्ट्र में ज़्यादा बरसात देखने को मिली है इस बार। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो फसलें हैं वो तबाह होती हुई नज़र आई हैं। रूपा जी, यहाँ से प्रोडक्शन पर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट तो बनता नज़र आ सकता है। दूसरा, अब किसानों ने भी सोयाबीन को स्टॉक करना शुरू कर दिया है, होल्ड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि किसानों को पहले तो जो दाम मिलना चाहिए था महंगे बीज खरीदने के बाद, बुआई करने के बावजूद, वो मिलता नज़र नहीं आया। और फिर MSP से भी नीचे सोयाबीन की खरीदी की गई मंडियों के अंदर। ऐसे में आपको क्या लगता है? और फिर ऊपर से कृषि बिल वापस ले लिए गए, कॉरपोरेट की जो भागीदारी थी, हिस्सेदारी थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई है, कम होती नजर आई है। तो क्या सोयाबीन अभी भी तेजी की ओर ही रहेगा आगे जाके भी? बनती हुई दिखाई दे रही है। और अखिलेश, फंडामेंटल जैसे आपने भी डिस्कस किया, तो बिल्कुल सोयाबीन जो है आगे पॉजिटिव ही रुझान दिखाई दे रहा है। और अभी प्राइसेस जो है, जैसा कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब देखिए 6000 के ऊपर, 6200 के ऊपर लगातार सस्टेन है, तो इसके अंदर अभी तेजी बन सकती है जो कि इसको 6800 से 7000 तक ले जा सकती है। जी,